ही बता दो गिला क्या करे जमाने से, लगेगा हाथ तेरे क्या मुझे मिटाने से। मौत के साथ सबसे बेहतरीन अंदाज में, इससे कोई और अच्छा शिकवा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं आज स्वामी अग्निवेश की, जो हम में नहीं रहे। ये इतनी बड़ी हस्ती थे जिन्हें सऊदी अरब ने, किंग अब्दुल्ला ने, जब उन्होंने डायलॉग सेंटर बनाया तो उसमें उनको बोर्ड मेंबर बनाया। ये वज़ीर तालीम रहे हिंदुस्तान के और यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। ये बहुत बड़ी हस्ती थे। हिंदू मुस्लिम इतिहाद की सबसे तवाना आवाज़ हिंदुस्तान में समझे जाते थे। स्वामी अग्निवेश के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दिल्ली में 2017 में उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया और वहाँ पे बहुत शानदार अंदाज के साथ उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कायम होना अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। और उस वक़्त जब मैं स्वामी अग्निवेश के दफ्तर में ही दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया कि वो हिंदी में लिखी हुई किसी किताब का मुताला कर रहे थे, किसी किताब को पढ़ रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा ये किताब कौन सी है तो उन्होंने मुझे बताया कि कुरान पाक है। मैं हैरान रह गया। उनसे मैंने जानने के लिए पूछा कि क्या हिंदी में भी कुरान पाक का तर्जमा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मैं रोज़ कोई भी, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको इसकी स्टडी करता हूँ और पढ़ता हूँ। और इसके अलावा तमाम मज़हब की किताबें हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ, और मैं सब मज़हब को, उनके लोगों को और इंसानों को एक बराबर का, अपने देश का, अपने मुल्क का शहरी तसव्वुर करता हूँ और तमाम इंसान बराबर हैं। ये इतनी अच्छी बातें वो कर रहे थे। मैंने उनका नवाए वक्त में 2017-4 में ही इंटरव्यू लिया और टीपू सुल्तान के हवाले से उन्होंने मुझे ये इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को टीपू सुल्तान जैसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो अपनों के साथ लड़ने की बजाय उन गैरों से लड़े जो बाहर से आते हैं और अपने हथियार बेचने के लिए हमारे पीछे लग जाते हैं, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें बेसहारा करने के लिए। स्वामी अग्निवेश की ख्वाहिश थी कि वो अब जितने भी बॉर्डर दुनिया में हैं वीज़ा फ्री हो जाए, पासपोर्ट ना हो, वीज़ा ना हो, तो इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। स्वामी अग्निवेश बहुत शानदार हस्ती थे। ये 21 सितंबर 1939 को पैदा हुए और उस वक़्त से लेकर जब से इन्होंने होश संभाला अब तक आज 11 सितंबर 2020 तक इन्होंने अपनी सांसें मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए, कमज़ोरों के लिए, कमज़ोर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी हो या कोई इंसान हो, उसके लिए वो उस वक़्त अपनी आवाज़ उठाया करते थे जब सब खामोश रहते थे। मैंने स्वामी अग्निवेश का एक इंटरव्यू किया जो कि नवाए वक्त के फ्रंट पेज पे पब्लिश हुआ, और उसमें 12 रबी उबल के हवाले से स्वामी अग्निवेश जिक्र करते हुए कहते हैं, मैंने दुनिया की तमाम किताबें, सब किताबें रटी पढ़ी, लेकिन मैं हजूर पाक पैगंबर इस्लाम से बहुत मुतासिर हुआ। और अगर लोग हजूर पाक की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया से नफरत का खात्मा हो जाए और ये दुनिया जन्नत की तरह पुर अमन हो जाएगी। स्वामी अग्निवेश के हवाले से मैं आपके साथ अपनी कुछ यादें भी शेयर करना चाहूँगा। एक दफ़ा हम उनके दफ्तर में बैठे हुए थे और वहाँ पे एक लड़का आया, और इस दौरान स्वामी अग्निवेश हमारे साथ बड़े खुशगवार अंदाज के साथ बातें कर रहे थे और मैं उस वक़्त नवाए वक्त के लिए उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो एक उस लड़के ने स्वामी अग्निवेश को इस तरह से मभूत कर दिया, उनको साकन कर दिया कि जो स्वामी अग्निवेश कुछ देर पहले भरपूर अंदाज में हंस रहे थे, वो उस लड़के को देख के ऐसे लगा मुझे कि उनकी आंखें भर आई हैं और कुछ ही देर बाद
अश्क बहना शुरू हो जाएंगे इनकी आंखों से। तो मैंने स्वामी अग्निवेश की तरफ देखा और फिर जहाँ उनकी निगाहें थी मैंने उस तरफ देखा, तो वो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके पाँव में जूती नहीं थी और उसके बदन पे कपड़े ना होने के बराबर थे, मतलब इस कदर गुर्बत का आलम था। स्वामी अग्निवेश उठे, उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और उस लड़के को उठाकर दी और अपने वहाँ पे शॉपिंग बैग में से, उनके पास एक पड़ा हुआ था या कोई दोस्त लाया होगा, उन्होंने वो कपड़े का एक थान था, टुकड़ा था, वो उठाया और उस लड़के को दिया और कहा, बेटा मेरी सारी उम्र गुजर गई मज़दूरों के लिए काम करते करते, आप लोगों के लिए करते करते, जब मैं क्या करूं कि गुर्बत इस दुनिया से नहीं जा रही, भूख इस दुनिया से नहीं जा रही, बेरोज़गारी इस दुनिया से नहीं जा रही, क्योंकि ये दुनिया हथियारों में पड़ी हुई है, दुनिया नफ़रत में पड़ी हुई है। तो मैं बहुत हैरान हुआ स्वामी जी की ये बात सुन के कि उस बेचारे लड़के को ये तकरीर सुनाने का क्या मकसद था। स्वामी अग्निवेश जी से मैंने ये सवाल किया कि वो बेचारा क्या करेगा, दुनिया का तो उस लड़के ने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो दुनिया को संभाले, या ना वो किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट है। तो स्वामी अग्निवेश ने मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा, मैंने इस तरह के लड़के हिंदुस्तान की सियासत में जो अब आला मुकाम रखते हैं वो अपनी जवानी में देखे, जिनकी हालत इस तरह की थी और उनके तन पे कपड़ा नहीं था, जूती नहीं थी पाँव में, उनको भी मैंने ये पैगाम दिया था उस वक्त। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ उनको बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए, नफरत फैलाते हुए, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तो आज मेरे लिए भी वो कहते कि ये वही मुकाम है। तो वो कहते आज मैंने इस लड़के को भी यही दर्द दिया है। तो हो सकता है कि वो पिछले लोग जिन्होंने मेरी बातों पे अमल नहीं किया, शायद हो सके यही लड़का आगे बढ़े और कल को किसी मुकाम पे पहुँचे, और जो मेरा ख्वाब है दुनिया में अमन के लिए, मोहब्बतों के लिए, भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए, वो पूरा हो। स्वामी अग्निवेश ने तो कभी शादी नहीं की, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो भाई हमारे हैं और जो दोस्त हैं, मैं उनके साथ इस गम में बराबर का शरीक हूँ। और मैं इस वक्त ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वामी अग्निवेश का जो ख्वाब था हमारे दरमियान अमन का, वो हम लोगों ने पूरा करना है, इनके ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना, ताकि जो हमारा रीजन है इसमें अमन कायम हो और जहाँ पे उनके साथ मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों अरबों दुनिया में फैले हुए लोग हैं, वहीं पे चंद ऐसे अनासर भी हैं जो उनकी कड़वी सच्ची बातों से उनके साथ इख्तलाफ से ज़्यादा बढ़ के हाथापाई पे उतर आते थे। तो ऐसा ही वाक्य उनके साथ हुआ और वो बिल्कुल इस चीज़ को कहते थे कि मंदिरों में बुत नहीं होने चाहिए। अगर आपने मानना है, अगर आप कहते हैं कि रब को हम पूछते, तो डायरेक्ट पूजें, मतलब इस तरह की, तो डायरेक्ट पूजें मतलब इस तरह की बातें वो करते थे और डंके की चोट पे करते थे, टीवी स्क्रीन पे आके करते थे। और फिर दूसरी तरफ जो मुस्लिम हैं उनको भी कहते थे कि उनको जदीद होना चाहिए, उनको जदीदियत भी इख्तियार करनी चाहिए, उनको तरक्की पसंद होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मॉडर्न बनना, उनको मॉडर्न बनना चाहिए अगर उन्हें तरक्की करनी है। इस तरह वो तमाम मज़हब के लोगों को इस तरह की वो दर्श दिया करते थे।